महिला मोर्चे की अध्यक्ष होने के नाते हमें केंद्र से कुछ प्रोग्राम मिले हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष भाई रविंदर रैना जी ने कल हमारी एक बैठक ली थी जिसमें सभी मोर्चों के अध्यक्षों को उन्होंने बुलाया था। तो केंद्र से हमें कुछ प्रोग्राम मिले हैं, तो अध्यक्ष जी ने हमें ये भी समझाया है कि लॉकडाउन का कहीं उल्लंघन ना हो और घर बैठ के ही हमें ये प्रोग्राम कैसे करने हैं, इसी सिलसिले में आज की ये छोटी सी बैठक रखी थी। तो कल भी मैंने यहाँ पे एक बैठक रखी थी, अब रोज यहाँ पे एक छोटी छोटी बैठक रखूंगी जिसमें कि सिर्फ वही बहनें होंगी जिन बहनों को ये कार्य करने में जिनका बहुत बड़ा रोल होगा, जैसे मेरे साथ मेरी महामंत्री होंगी, सोशल मीडिया आईटी सेल की बहनें होंगी और ऑफिस सेक्रेटरी जो होंगी, इन्हीं बहनों को यहाँ बुला के और साथ में सभी जिला अध्यक्षाएं जो हैं उनके साथ अभी ऑडियो कॉन्फ्रेंस मेरी जो है थोड़ी थोड़ी बहनों के साथ शुरू होगी कल से। तो जो हमें ऊपर केंद्र से प्रोग्राम मिले हैं उन प्रोग्रामों को कैसे बूथ लेवल तक हमने लेके जाना है, क्योंकि इसकी 30 को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक साल पूरा होने वाला है। इस साल में उन्होंने क्या क्या बहनों के लिए किया है वो विस्तार पूर्वक, जैसे धारा 370 35 ए डोमिसाइल जो भी उपलब्धियाँ हुई है, बहनों को इसमें क्या क्या फायदे मिले वो हम ग्राउंड लेवल तक लेके जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।